उत्तरा का कहानी मैत्री के बारे में और पुण्य से प्राप्त होने वाले आश्चर्य फल के बारे में तथा उत्तम गुण धर्म के बारे में इसमें से आपको सीख सकता है। ये सब कुछ मानव का मन में ही उत्पन्न होता है और कहीं उत्पन्न नहीं होता है, बाहर नहीं। मैत्री करुणा बाहर पेड़ पौधा दिखाई देगा, गोदरेज में मंदिर में नहीं, मन में दिखाई देता है। तो मैं गुणधर्म अच्छा चीज पाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्रोध गुस्सा करने के लिए हिम्मत चाहिए, झगड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए, नाराज होने के लिए रोने के लिए हिम्मत का जरूरत नहीं। या लेकिन अच्छा गुण को पाने के लिए ताकत चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकता। उस समय भगवान बुद्ध जी वेलवनाश्रम में थे। वेलवनाश्रम कहाँ पे? राजगीर में। एक बार लेके जाएंगे। उस समय राजगीर में सुमन नाम का एक सेठ जी था। क्या नाम सेठ जी का? सुमन। ये सुमन सेठ जी का घर पे महल में बर्तन वगैरह साफ करते रह गया एक गरीब आदमी, उनका नाम पुण्य, गरीब भिखारी जैसा, लेकिन घर पे झाड़ू पोछा मार के कुछ लेके जाता है खाने के लिए, उसका नाम पुण्य। पुण्य को एक पत्नी थी, उत्तरा नाम का एक बेटी भी थी, ठीक है। एक दिन राजगीर में एक सप्ताह तक नक्षत्र फेस्टिवल, नक्षत्र से फेस्टिवल था, शुभ मुहूर्त से उत्पन्न होने वाला फेस्टिवल, यानी कि होली जैसा फेस्टिवल था। वो फेस्टिवल एक सप्ताह तक मनाता है। तो सुबह सुबह पुण्य आता है महल में काम करने के लिए, तो पुण्य को बताए सेठ जी, पुण्य आज हमारे सभी नौकर लोग उस मेला के लिए तैयार हो जाता है, तुम क्या करते हो? तुम भी मेला के लिए तैयार हो जाएगा घूमने के लिए, या तो फिर पुराना काम करते रहेगा बर्तन साफ? बताए, हे सेठ जी, ये मेला अमीर लोगों का है, कल मेरा घर पे खाने के लिए एक दाना चावल नहीं है, कल खाने के लिए। ऐसा लोगों को ये मेला वगैरह से, फेस्टिवल से क्या मतलब? सेठ जी, मुझे कुछ गाय मिल गया तो मेरा खेती थोड़ा सा जोत सकता है, ऐसा ठीक है, मेरा बैल ले लो। ये गरीब पुण्य ताकतवर दो बैल ले लिया, जोतने वाले हल भी ले करके खेत में जाते समय पत्नी को बताया, सुंदरी आज शहर के लोग 7 दिन तक मेला आज शुरू होना हो रहा है, हम तो आज जा रहे काम करने के लिए, इसीलिए आज हमको थोड़ा ज्यादा दोगुना खाना बना के लाओ, क्यों? ज्यादा थकेंगे हाल जोतने का काम पे, इसीलिए दोगुना खाना लेके आओ मुझको। ऐसे वो गया, जा कर के बैल में हल लगा के जोतने लगा। अरहंत सारिपुत्र बांते जी उसी दिन से 7 दिन पहले निरोध समापत्ति ध्यान में लग गया। निरोध समापत्ति ध्यान पता है क्या है? निरोध समापत्ति ध्यान इनका ध्यान नहीं है, बल्कि निरोध ध्यान मतलब ऐसे ध्यान में बैठ जाता है, बैठ के समाधि में आता है, ध्यान करने के बाद मन शांत होता है ना, उसी पॉइंट्स पे आता है।
आकर के श्वास बंद करता है, दिल का धड़कन बंद करता है और शरीर का खून दौड़ता सब रुक जाता है, मर गया जैसा। मरा हुआ आदमी का और इसी समाधि में आया हुआ आदमी का फर्क है। निरोध ध्यान में आया हुआ व्यक्ति का शरीर गर्म है, मरा हुआ आदमी का शरीर ठंडा, बाकी सब सेम है। वही निरोध ध्यान सिर्फ आ सकते हैं भगवान बुद्ध को और भगवान बुद्ध के शिष्य लोग को, शिष्य लोग का हम लोग को नहीं, अरहंत लोगों के, अनागामी, अनागामी को मुश्किल थोड़ा, अरहंत लोग को भी सबको नहीं कर सकता है, भगवान बुद्ध को तो आराम से। महाकाश्यप बंत जी बार बार करता है, निरोध ध्यान में आए हुए लोगों को अगर तो एक दाना चावल देगा तो बहुत बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए नारायण महाकाश्यप बंत गुरुपा में निरोध ध्यान में 7 दिन बैठ के गरीबों का घर में जाता है, क्यों? सुख में बहुत पुण्य मिलता है इस जीवन में ही। ध्यान करने वाले को ज्यादा, ध्यान करने वाले को दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है। इसीलिए ना हमेशा हम आप लोग बताते ध्यान करिए, ध्यान करिए, क्यों? हम लोग बनाने वाले भोजन ध्यान करने वालों को खाने से हम लोग को फायदा है, वो ध्यान का फल है वो। तो अरहंत सारिपुत्र बांते जी निरोध ध्यान में था 7 दिन पहले, उठता है कब? 7 दिन बाद निरोध ध्यान से उठता है। निरोध ध्यान का स्वभाव है धरती नष्ट होगा तो नष्ट होना रुक जाता है 7 दिन खत्म होने तक। कोई भी आदमी निरोध ध्यान से आ गया तो उनका शरीर बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, जैसा था वैसा ही। कोई भी आकर के उसको सर्वनाश करने के लिए कितना भी कोशिश करे कुछ नहीं कर सकता है। एक बार ऐसे हुआ, बहुत पहले एक बंते जी निरोध ध्यान में आ गया, उनका लोग सोच लिया पूरा बांते जी आग खोलता नहीं, 2 दिन गया 3 दिन गया सब चेक किया, कोई चलता नहीं इनको, वैद्य जी बताए बंते जी मर गया है। सभी लोग उसी जगह से उठा नहीं सकते बंते जी, निरोध ध्यान है, उन लोग जानते निरोध है, उन लोग कुछ नहीं जानते। तो पूरा सुखा सुखा आम कलाकड़ी पूरा भरा भरा के बंते जी को प्रदक्षिणा करके आग जला के चले गए। इसके बाद पूरा जल गया। बांते जी ध्यान से उठते समय राख था हर जगह, एक बूंदा कुछ नहीं हुआ शरीर को, वो निरोध ध्यान है, बहुत पावरफुल ध्यान। तो अरहंत सारिपुत्र बांते जी 7 दिन तक निरोध ध्यान में रह के ध्यान से उठ गया, उठ के मन में आ गया आज किसको मदद करे। तो सारिपुत्र बांते जी का नजर में आ गया ये गरीब दुखिया, कौन दुखिया, पुण्य को देख लिया। अगर इस पुण्य के पास श्रद्धा है तो उपकार कर सकते हैं, घमंड है तो नहीं, देख लिया श्रद्धा है। ये तो थोड़ा श्रद्धावान व्यक्ति है, क्यों श्रद्धा देखता है? कभी भी जिसके पास श्रद्धा नहीं है ना कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग को, आप लोग आश्रम में क्यों आया, पुण्य क्यों करता है? आपके पास थोड़ा भी श्रद्धा है, इसीलिए। तो सोचा इनका श्रद्धा के चलते भविष्य में बहुत धन कमाएगा। तो सारिपुत्र बांते जी चीवर लेकर के जहाँ पुण्य हाल जोत रहे वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ के तब इधर उधर देख रहा था सारिपुत्र बांते जी आस पास सुबह सुबह इसलिए तो देख रहे थे। तो पुण्य समझ गया, सोचा तो हमारे सेनाधिपति बांते जी आराम सारिपुत्र बांते जी है, शायद दातमन खोज रहा होगा। तो अच्छा एक पेड़ से दातमन तोड़ के दे दिया, देने के बाद पात्र दे दिया पुण्य को। पुण्य सोचा क्यों पात्र दिया, शायद मुंह धोने के लिए पानी, अच्छा पानी ला के दिया। देने के बाद मुंह धो लिया। इसके बाद सारिपुत्र बांते जी सोचा सीधा हम भोजन के लिए इनका घर पे जाएगा तो मतलब नहीं, क्यों? ये दूसरा घर पे रहता है कि अपना घर नहीं है, किराया पे रहता है, पत्नी उधर खाना बना के आता है, आने का रास्ता पे हम चल जाएंगे,
घर पे गया तो मैं मिलेगा नहीं। तो पत्नी खाना निकाल के खाना लेके निकलते समय सारे बंदी उठ के उसी रास्ता पे गया। जाते जाते पत्नी का सामने मिल गया। मिलने का ये तो हमारा सारपुत्र बांते जी है, हमेशा तो एक कोई ना कोई होता है मेरे साथ। कभी हम दान देना चाहते हैं तब कोई बांते जी नहीं है, जब बांते जी मुलाकात होता है दान नहीं है, लेकिन आज दोनों हैं। हम देना भी चाहते हैं और मेरे पास देने वाली चीज भी है, बांते जी भी हैं। इसी करके बांते जी को दे दिया। आधा देने के बाद बांते जी पात्र बंद किया। बांते जी ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करिए, हम पे दया करें, कितना मेरे जीवन में बहुत दिन के बाद दान दे रहे हैं, वो भी एक बांते जी को, सीलवान गुणान बांते जी को, इसे मत करिए, सब लीजिए, क्योंकि एक आदमी के लिए पूरा ही हम मैंने बनाया, पूरा लीजिए बांते जी करके सब दे दिया पात्र में। बांते जी सब ले करके एक जहाँ पानी मिलता है वहाँ जा करके पूरा भोजन कर लिया। इसके बाद वापस औरत चले गए, क्यों अभी खाना नहीं, फिर जा करके खाना बनाया। बना के लेके आते समय मैं पुनः हाल जोते जोते थक गया। थक के अब जोतना मुश्किल है, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बैल को छोड़ दिया खाने के लिए। तो पातिनी दूर से अभी बात लेके आ रहा है तो पुनः आराम कर रहा है, तो सोचा सीधा बगल में गया तो मुझे डांट सकता है, डांट दिया तो उसको पुण्य का भाग नहीं बन सकते, मैं पाप मिलेगा, इससे अच्छा हम चिल्ला के बता देंगे इधर से ही, पता है सुनिए जी, आज आप दिल खुश हो जाइए, बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है, आप उसी पुण्य का भागीदार बन जाइए। हम वहाँ सुबह सुबह उठ के बहुत बड़ा एक में बड़ा भात बांध के लेके आ रहा था, हमारा धर्म सेनाधिपति सारिपुत्र बांते जी मुलाकात हो गया है, हम उनको सब पूजा किया है, फिर हम घर जाकर वापस लेके आए, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप दिल को खुश कर लीजिए। पुण्य बताए सुंदरी, फिर बताओ वो बात, फिर से बताया सुंदरी और एक बार बताओ, दिल मेरा खिल गया, और एक बार बताए सुंदरी साधु साधु, मेरा आर्य बांते जी को तुमने भात पूजा किया, आज सुबह सुबह मैंने दत्मन पूजा किया, पानी पूजा किया चेहरा धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। तो दान देने के कारण दोनों बहुत प्रसन्न हो गया। तो वो औरत सारिपुत्र बांते जी को भोजन पूजा करके मन से प्रार्थना किया, ये भोजन का फल इसी जन्म में ही प्राप्त हो, आज सारिपुत्र बांते जी आपका प्रार्थना सफल होगा। फिर दोनों खुशी एकदम खुशी हैं, आदि भरपेट उसी दिन भोजन किया, अभी नींद जैसा लग रहा है सनी को जैसा, तो क्या किया मैं संतोष का गोदी भी सोना जैसा सही ना, फिर अपना पत्नी का गोद पे सिर रख के सो गया, अच्छा से नींद आया, थोड़ा नींद से उठ के देख लिया अपना खेत चमक रहा है, फिर देख लिया क्या चमक, हाँ देवी आज लगता है खाना ज्यादा हो गया है, क्या हो सामने पूरे खेत सोना सोना दिख रहा है, हमको खाना में तुम कुछ डाल दिया क्या, हमको चाक देख रहा आप तो ठीक है, हाँ ठीक है, छुट्टी काट दो तो एक बार, उधर कस के नहीं दर्द तो देता, सपना भी नहीं, खेती सोना सोना क्यों दिख रहा है, तो स्वामी तो आपको नहीं हमको भी दिख रहा है सोना जैसा, जहाँ हाल जोता ना सब सोना है, सोना बन गया। दोनों जाके देखा, छापा डाले के कस के मारा, ठोंग करके आवाज आ गया, कैसे लोहा पे मारते वैसा आवाज आ गया,
चपड़ मारने, तब समाधिया सोना है, थोड़ा निकाल के जब खाना लाए उसी खाना में भर के लेके गए राजा के पास। जाके बताए, महाराज आश्चर्य बात क्या है, महाराज मेरा जहाँ हाल जो था सब सोना हो सोना है, ये देखिए महाराज। हाँ सही में महाराज, सब ले लीजिए आप। फिर रात फेंटा दिया, मैं कितना तो रात फेंटा दिया खेत तक फेंटा के सारे सोना। उन लोग सोचा ये मैं हमारा राज्य का सोना है, ये राजा का सोना है, ऐसे करके सोना डालता है, डालने वाले सारे सोना मिट्टी बन जाता है। फिर राजा के पास आके बताया, महाराज सब मिट्टी है। मिट्टी नहीं महाराज, सोना था लेकिन डालने से मिट्टी हो जाता है। तुम क्या सोच के डाल दिया, ये पुण्य का सोना है या तो फिर महाराज का सोना है? हम लोग तो आपका सोना है, फिर आपका नाम लेके डाल दिया। अयो मूर्ख, वो पुण्य का भाग्य है, पुण्य का पुण्य से हुआ है प्राप्त, पुण्य का नाम लेके डाल दिया, पुण्य का सोना है, ऐसे डालने पर सब सोना ही है। अंत में राजा का महल के आगे एक ग्राउंड है, ग्राउंड में सब भर दिया 80 मीटर तक। 80 मीटर मतलब मेन टेम्पल जैसा लंबा, बहुत ऊंचा, इतना बहुत बड़ा पूरा इकट्ठा करके सारे सेठ जी लोग को बुला के पूछा, किसके पास इतना सोना है? सेठ जी इतना सोना हमारे पास एक बूंदा भी नहीं, इतना संपत्ति मेरा सारे जायदाद बेच दिया था, भी इतना संपत्ति नहीं, ऐसा है तो आज से पुण्य है मगध का सेठ बनाया। तो सेठ जी का एक छात्र होता है, वो छात्र पुण्य को दे दिया, उसी दिन से पुण्य सेठ जी है। महाराज को बताया, लेकिन हम लोग को ये धन प्राप्त होने का कारण यही है, सारिपुत्र बंधु विदान दिया, तब महाराज समझ गया यही पुण्य से फल मिल गया है। इसके बाद महाराज को बताया, महाराज अब तक हम लोग किराया पे रह गए, कहीं हमारे पास जमीन नहीं है। महाराज क्या किया, जहाँ सेठ जी को मन लगता है वहाँ से बहुत बड़ा एक जमीन दे दिया, उसी जमीन में सेठ जी सोना कुछ बेच के बहुत बड़ा महल बनाया। इसके बाद भगवान बुद्ध इत्यादि महासंघों को बार बार भोजन दान देता है, बहुत भोजन देता है। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास धन नहीं है तब देने वाले दान बहुत कीमती है, जब आप करोड़पति बन के देता है ना उसका उतना कीमत नहीं है। मुश्किल से आप कुछ देता है ना, मुश्किल से मेरे पास उतना नहीं फिर भी देता है, वो बहुत पावरफुल है, वो पुण्य वो बहुत अनलिमिटेड है। तो देखिए सारिपुत्र बंधु जो कि एक बार ना दिए, लेकिन अमीर होने के बाद भगवान बुद्ध इत्यादि महासंघ को रोज दे रहा है, फर्क हो गया ना। इसीलिए तो कुछ समय जाने के इसके बाद और बीत गया समय, राजगीर का वह पुराना सेठ जी अपना बेटा के साथ पूर्ण का बेटी का नाम क्या था, उत्तरा के साथ शादी कराना चाहता है, क्यों अमीर है। सेठ जी उसमें पसंद नहीं हुआ, नहीं फिर बताए, नहीं ऐसे मत क्या है सेठ जी, आप हमारे संगत में तो रह गया, आपके पास इतना धन संपत्ति हो गई इसीलिए आप दुख हो गया क्या, हमारे पास धन कमी है, हमारे बेटा को आपका बेटी दीजिए ना। ऐसा कैसे दे सकता है, मेरा बेटी भगवान बुद्ध की रास्ता पे जा रहा है, तुम्हारा बेटा अंधविश्वास की रास्ता पे जा रहा है, हम कभी अपना बेटी अंधविश्वास के रास्ते पे जाने वाले के साथ नहीं शादी करवाएंगे।
इसके बाद ये सेठ जी बहुत सारे दूसरा सेठ लोगों से पैरवी करवाया। पैरवी कराया मतलब आके बताया, नहीं उनसे शादी कराया, उनसे शादी कराया। तो ऐसे बहुत बोलने के बाद ठीक है शादी करवा देंगे, शादी किया। उत्तरा गया, जिस दिन से गया उसी दिन से एक भी बंते जी नजर नहीं आता है, दान देने के लिए मौका नहीं मिलता है। 15-20 दिन गया, मन नहीं लगता है अभी, क्यों दान देने का एक भी मौका नहीं मिलता है। तब 15-20 दिन जाने के बाद अपना पिताजी को चिट्ठी लिखा, पिताजी आप किस लिए हमको बंदी बना के रख दिया, जैसे ऐसे छोड़ दिया, इससे अच्छा है हमको कहीं दूसरा जहाँ बंते जी लोग रहते हैं वहाँ कहीं नौकरानी बना दीजिए किसी घर पे, बहुत सुख है, हम बर्तन भी साफ करेंगे और दान भी देंगे, महासंघ को सेवा करेंगे, ज्ञान सुनेंगे। पिताजी यहाँ एक भी बंते जी नजर नहीं आता है, एक बूंदा भी बिना पुण्य करके दिन बीत जाता है, मन नहीं लगता है। तो पुण्य सेठ जी चिट्ठी पढ़ने के बाद बहुत दुख हुआ, मेरी बेटी दुख सहन करती है। तो उनको पुण्य करने के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्रा भेज देंगे, ऐसे करके एक चिट्ठी भेजा। बेटी इस शहर में एक वैश्या है, सिरिमा, सिरिमा जानते ना, वही सिरिमा है, वैश्य है सिरिमा। तो वो एक दिन में 1,000 स्वर्ण मुद्रा लेता है किसी के साथ रहना चाहेंगे तो बेटी इसी में से आधा स्वर्ण मुद्रा सिरिमा को, एक आधा स्वर्ण मुद्रा सिरिमा को दे दो, वो आप तुम्हारा पति के साथ पति खुश रखेगी और तुम बाकी आधा स्वर्ण मुद्रा लेकर के पूरा पुण्य करो, उसके लिए पैसा है। उत्तरा कुमारी बहुत खुश हो गई, तुरंत सिरिमा को बुलाया, सिरिमा ये 2 सप्ताह के लिए तुमको पैसा है, पूरा 2 सप्ताह मेरा पति का सहेली जैसा रह के पूरा खुशी दिलाओ। उत्तरा कुमारी सिरिमा को लेकर के पति के पास गया, जाके बताया स्वामी आज से 2 सप्ताह तक आपको सहेली जैसा रह के सेवा करेगी ये सिरिमा, 2 सप्ताह हम दान देने के लिए ज्ञान सुनने के लिए चल जाऊंगी। वो सेठ कुमार सिरिमा को देखते ही आसक्त हो गया, इतना सुंदर है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक हाँ ये तो चलेगा ना, तुम जाओ। फिर उत्तरा बहुत प्रसन्न मन से भगवान बुद्ध इत्यादि महासंघ को बुला के 2 सप्ताह पूरा भोजन दे रहा है। आज से बहुत दिन तक महासंघ को सेवा कर सकता है, इसीलिए हर एक चीज पे ध्यान दे रहा है, अच्छे से पुआ बनाना, आटा पीसना अच्छे से, फिर साफ करो, तो महासंघ के लिए बना रहे अच्छे से साफ करो, क्या सब कुछ देखभाल करती हैं। उत्तरा का पति खिड़की से देख रहे हैं, उत्तरा पसीना बहा के पूरा काम करती है, पूरा कपड़ा गंदा हो गया, क्यों बर्तन पीसता है, बर्तन साफ करता है, पूरा मैं थक गई। ये देखने के बाद ये इसका स्वामी सोच रहा था, अरे उत्तरा कितना मूर्ख है, उत्तरा इतना सुख संपत्ति छोड़ के टकले लोगों, डोंगी टकले लोगों को सेवा कर रहा है, उससे खुशी होता है, दिमाग है ही नहीं उत्तरा के पास, ऐसे मुस्कुराया। ये देख लिया सिरिमा खिड़की के पास जाके देखा, मेरे पति क्यों मुस्कुराया, देखा उत्तरा को देख के, तो सिरिमा सोचा हाँ यही कारण है, ये उत्तरा के साथ मुस्कुराया, इसका मतलब अभी तक उत्तरा को ये प्यार करता है, मुझको नहीं। ऐसे लड़की लोग को हमेशा जलन आता है ना, जलन आ गया, उत्तरा को प्यार करता है अभी तक,
इतना हम प्यार दिया, हमको नहीं प्यार। उसी दिन से उत्तरा के साथ नफरत हो गया सिरिमा का मन। इसके बाद सिरिमा हमेशा सोच रहा है उत्तरा से बदलाव लेना, कि दुख देना चाहती है। सिरिमा एक दिन महल से उतर गया, अपना किचन तरफ गया जहाँ उत्तरा खाना बना रहा है। पूरा तेल तेल पूरा खोल रहा है, तेल तेल गरम कर रहा है कुछ फ्राई करने के लिए। वहाँ जा कर तेल पूरा खोल रहा है, बहुत बड़ा बर्तन, लंबा पकड़ने वाला एक डब्बू जैसा बर्तन लेकर के तेल ले लिया। तेल गुस्सा मान से उत्तरा की ओर आ रहा है, तो उत्तरा समझ गई हमें तेल गिराने के लिए आ रहा है। तो उत्तरा ने सोचा, देखो क्या सोचा, हम लोग तो भाग जाएंगे ना। उत्तरा सोचा, ये मेरा सहायता करने वाली है, मुझे बहुत उपकार किया है, पूरे संसार कष्ट से भरा हुआ है, ब्रह्म लोग भी नीच हैं, देव लोग और नीच हैं, लेकिन ये मुझे उपकार करने के लिए आए, इसलिए हम पुण्य कर रहा है। अगर सिरिमा नहीं आ गया तो हमें पुण्य नहीं कर सकता है, इसलिए ये तो बहुत अच्छी है सिरिमा। क्यों ऐसे सोच रही थी? सिरिमा के ऊपर गुस्सा नहीं आने के लिए, कितना दिमाग है ना। ये उत्तम सिरिमा के चलते मुझे ज्ञान सुनने का मौका मिला, दान देने का मौका मिला, प्रवचन सुनने का मौका मिला। तो सिरिमा के ऊपर मेरा मन में गुस्सा है तो इस तेल से मेरा शरीर जल जाए, अगर गुस्सा नहीं है तो नहीं जल जाए। मैत्री किया सिरिमा को, कौन? उत्तरा। मैत्री का 11 फल जानता है ना। सिरिमा क्या किया, पूरा सीड से गिरा दिया, ठंडा पानी जैसा सब गिर गया, कुछ नहीं हुआ उत्तरा को। तो सिरिमा सोचा, तेल तुरा ठंडा कैसे हो गया तेल? फिर गया कढ़ाई के पास, जाकर के लेके आते समय नौकरानी सिरिमा उत्तरा का नौकरानी लोग देखा, देखो 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 वैश्य पागल जानो का नाम लेकिन पागल करके डांट के गाल देके, तू हमारा मालकिनी को गरम तेल डाल रही, ऐसे करके उसको पकड़ के पूरा मारने लगा। उत्तरा दौड़ के आ गया, छोड़ 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 इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो मत मार इसको। सिरिमा को बचाया, ऐसे इनको कुछ मत करो। तुरंत सिरिमा को ले जाकर गर्म पानी से पूरा सेक दिया, क्यों पूरा चोट लग गया, मार दिया सभी लोग, पूरा सेक के जहाँ में दर्द है वहाँ तेल भी लगा दिया। कौन? उत्तरा। कमाल है ना, हम लोग तो सोचते हैं अच्छा अभी अभी उसको समझ में आता होगा है ना। तब सिरिमा होश में आ गया, होश में आ गया मतलब समझ गया सब, अरे मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरा पति खिड़की से नहीं, इनका पति खिड़की से इनको देखते हंसने से हम गुस्सा किया, हम खोलने वाले गरम तेल ला के डालने से भी डालने के लिए आते समय आराम से रोक सकता था, नौकरानी लोग को बोल सकता रोक दो हमको मारने आ रहा है, कोई रोका तक नहीं, ये किसी को रोका नहीं, आने दिया और अच्छा से दूसरों से हमको पूरा मारवा सकता था, कुछ किया ही नहीं और उल्ट हमको बचाया। अगर ऐसा उत्तम महान लोगों से अगर हम माफी नहीं मांगेगा तो मेरा सिर टुकड़ेगा, श्राप लग जाएगा। तुरंत पैर छू के माफी मांगने लगा, हे महान देवी आप तो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर हैं, माफ कीजिए, हे आर्या मुझे माफ कीजिए। बताए सिरिमा, आजकल ऐसा है ना,
कोई कुछ आप लोग को कोई अन्याय हो गया तो हमेशा देख रहे उसका खाब दुख मिलेगा। आजकल लोग ऐसा है ना, हमको दुख दिया, आप पता चलेगा उसको दुख मिलने लगता है। कितना नीच है ना हम लोग का मन। याद रखे कभी नहीं सोचना चाहिए, अपना दुश्मन का भी भलाई सोचिए। आपके साथ अगर कोई दुश्मनी रख दिया तो, आपको कोई दुख दिया तो उनका भी भलाई सोचिए, उनका कल्याण होगा। कभी भी उत्तरा जैसा सोचिए। फिर उत्तरा बताई, श्रीमा मैं एक पिताजी का बेटी हूँ, अगर मेरा पिताजी तुमको माफ कर देगा, माफ करेगा तो मैं भी माफ करूँगा। बताया आर्या, हे पुण्यवान आर्या, आपका पिताजी पुण्य सेठ जी से तुरंत हम जाके माफी मांगूंगी। बताया पुण्य सेठ जी मेरा संसार का पिता है, लेकिन हर जगह जो संसार का है ही नहीं ऐसा मेरा एक पिताजी है, वो माफ कर दिया तो हम आपको माफ कर देंगे। आर्या जो संसार का नहीं उतना महान और पिता कौन है? पता है वो भगवान बुद्ध जी, मेरा असली पिताजी, वो धर्म पिताजी। आर्या मेरे मन में तो उतना श्रद्धा विश्वास नहीं है, मैं वो करूंगा। कल भगवान बुद्ध जी महासंघ के साथ मेरा घर पे आएंगे। अभी आप जितना धन मिला सब लेके घर जाइए, कल आकर के मिल लीजिए। दूसरे दिन भगवान बुद्ध इत्यादि महासंघ को उत्तरा भोजन दिया। श्रीमा भी बहुत सारे चीज लेके आया भगवान बुद्ध को पूजा करने के लिए, आकर के भगवान बुद्ध के चरण के पास गिर गया। भगवान बुद्ध पूछा, श्रीमा तुम क्या गलती की हो? भगवान बुद्ध जी, ये मेरा सहेली है, मेरे हाथ से इतना उत्तम महान सहेली को गलती हो गया, मुझे ये भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं पैसा के लिए आया हुआ एक वैश्य थी, लेकिन मिला हुआ धन संपत्ति और प्यार के कारण मेरा घमंड बढ़ गया। ये इसी घर महल का स्वामी मालकिनी है, लेकिन मेरा मन में आया हुआ जलन के कारण मेरा मन जल गया। मैंने गरम खोलने वाले तेल इनका सिर पे गिरा दिया, आश्चर्य है ठंडा पानी जैसा सारे तेल गिर गया। इनका नौकरानी लोग मुझे मारते समय ये आकर के हमको उल्टा बचाया। बताया आप अगर माफ करेंगे तो ये भी माफ करेंगे। इसके बाद पूछा उत्तरा, ये श्रीमा गरम तेल आपका सिर में गिराते समय आपका मन में क्या आया? उत्तरा बताया, भगवान हम ऐसे सोचे हैं, ये मेरा सहायक है, मुझे बहुत उपकार किया है, पूरा संसार कष्ट से भरा हुआ है, ब्रह्म लोग भी नीच हैं, लेकिन ये मेरा सहेली का गुण बहुत है, इनके चलते इतना दिन तक हम महासंघ को दान दे पाया, अच्छा से दिया। तो ऐसे सोच के इनके बारे में मेरा मन में एक बूंदा भी गुस्सा आने मैंने नहीं दिया, गुस्सा आया ही नहीं। इसके बाद मैंने प्रार्थना किया, भगवान अगर मेरे मन में गुस्सा एक इनके पर है तो तेल से जल जाए, गुस्सा नहीं है तो नहीं जल जाए। मैत्री किया, भगवान बुद्ध बताए, साधु साधु उत्तरा, आश्चर्य है, क्रोध को उसी प्रकार जीतना चाहिए, क्रोध को जीतना चाहिए बिना क्रोध करके। बेइज्जती को जीतना चाहिए बिना बेइज्जती करके। लोग बेइज्जती को जीतता है कैसे? हमको बेइज्जत किया तो हम भी उसको बेइज्जत करेंगे। सोचिए कोई हमको बेइज्जत किया, किसी भी तरह से उसका बेइज्जत किया तो हम जीत गए, ऐसा लोग सोचता है ना, एक डंटा पे एक डंटा। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया,
बेइज्जत को जीतना चाहे इज्जत करके, तो खंजीस खंजूसी को जीतना चाहिए दान देके, झूठ को जीतना चाहिए सत्य बोल के। ऐसे भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताए थे कि हम बोल 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 अको देन जीने को धन, असाधुं साधुना जिने, जिने कदरियं दानेन, सच्चेन अलिकवादिनं। तथागत ने बताया अको धेन जिने को धन, जिने मतलब जीतना चाहिए, क्रोध को जीतना चाहिए किस चीज से, बिना क्रोध करके यार की मैत्री से। असाधुं साधुना जिने, साधु मतलब अच्छा, असाधु मतलब बुराई, बुराई को जीतना चाहिए अच्छाई से। जिने खदरियं दानेन, खदरिया मतलब कंजूस, कंजूस को जीतना चाहिए दानेन दान से। सच्चेन अलिकवादिन, सत्य को झूठ को जीतना चाहिए सत्य से। इसके चलते बहुत सारे लोग का कल्याण हो गया उत्तरा का मैत्री के चलते। श्रीमा भी प्रवचन सुन, प्रवचन के अंत में सोतापन हो गया। उत्तरा इत्यादि 500 स्त्री लोग सोतापन हो गया, सभी लोग धर्म पे आ गया, अधर्म छोड़ दिया। तो भगवान बुद्ध के ज्ञान के चलते सबका कल्याण हो गया। सुंदर है ना। इसीलिए आप लोगों को भी उत्तरा जैसा पुण्य करके, मैत्री करके, सबको माफ करके और सुंदर सुंदर गुण अपना मन में बसा के मैत्री मन से जीने का भाग्य मिल जाए।